हेलो एवरीवन, आई एम रितु कौशिक, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फ्रॉम RPIT कैंपस करनाल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सर्वेइंग। फर्स्ट वन, इंट्रोडक्शन। सर्वेइंग इज डिफाइंड एज टेकिंग ए जर्नल व्यू ऑफ बाय ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट डिटरमाइनिंग द बाउंड्रीज, साइज, पोजिशन, क्वान्टिटी, कंडीशन, वैल्यू एक्सेट्रा ऑफ लैंड, अस्टेट, बिल्डिंग फॉर्म्स, माइंस एक्सेट्रा। ठीक है, सर्वेइंग क्या है? एक जर्नल व्यू आप लोगे किसी भी ऑब्जेक्ट का, या फिर इजीली यू कैन से इट इज डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। आप हॉरिजॉन्टल में उसकी पोजीशन चेक कर रहे हो, या फिर वर्टिकली आप चेक कर रहे हो कि कितनी हाइट की बिल्डिंग है। तो दैट इज़ द सर्वेइंग, जिसमें आप मेजरमेंट निकालते हो, उसकी पोजीशन चेक करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो आपके अर्थ सरफेस पर है। ठीक है, एंड फाइनली प्रेजेंटिंग द सर्वे डाटा इन इस टेबल फॉर्म। और फिर चेक करने के बाद आप एक सर्वे डाटा प्रेजेंट करते हो, जिसमें इंक्लूड होते हैं डिस्कवर द वर्क ऑफ द वैल्यूएशन सर्वेयर होता है, द क्वांटिटी सर्वेयर, द बिल्डिंग सर्वेयर, द माइनिंग सर्वेयर एंड सो फोर्थ, एज वेल एज द लैंड सर्वेयर। अनदर स्कूल ऑफ थॉट डिफाइन सर्वेइंग एज द एक्ट ऑफ मेकिंग मेजरमेंट of the relative position of natural and man-made feature on the earth surface and the presentation of this information either graphically or numerically. Next है हमारे पास, the process of surveying is therefore in three stage, namely first one, taking a journal view, second, observation and management, third, presentation of data. First, taking a journal view, this part of the definition is important as it indicates the need to obtain an overall picture of what is required before any type of survey work is undertaken. In land surveying, this is achieved during the reconnaissance study. ठीक है, जनरल व्यू में क्या होता है कि इसमें इंक्लूड है, आप एक नॉर्मल चेक करोगे, जैसे रिकोनेंस स्टडी होती है, मतलब आपको सिर्फ जियोग्राफी व्यू आप चेक करोगे, टोपोग्राफी देखोगे एरिया की कैसी है, कहाँ पर है, किस तरीके से है। तो दैट इज़ द आप एक जनरल व्यू ऑब्टेन कर रहे हो वहाँ का। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट। दिस पार्ट ऑफ द डेफिनेशन डिनोट द नेक्स्ट स्टेज ऑफ एनी सर्वे, मतलब फर्स्ट आपने जो वहाँ पे ओवरऑल एक प्रकार से जो चेक करना था, ठीक है, वो देख लिया है। सेकेंड स्टेज हमारी रहेगी कि हम ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट करेंगे, विच इन लैंड सर्वेइंग कंस्टिट्यूट द मेजरमेंट टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजिशन एंड साइज ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फीचर ऑन द लैंड। तो जिसके रिस्पेक्ट में आप चेक कर रहे हो, ठीक है, दो बिल्डिंग है हमारे पास, आपने देखा कि इस बिल्डिंग की हाइट उसके कंपेरिजन में इतनी है, या किसी अदर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो, तो आपने क्या करना है कि रिलेटिव पोजिशन हम वहाँ पर चेक करेंगे, साइज देखेंगे, नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल फीचर जो लैंड के उस तरीके से। तो ये क्या है? ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट। थर्ड है हमारे पास प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब आपके पास ऑब्जर्वेशन भी है, मेजरमेंट भी है, और जनरल व्यू आपने स्टार्टिंग में ही ले लिया था, अब आपको प्रेजेंट करना है डाटा को। द डाटा कलेक्टेड इन एनी सर्वे मस्ट बी प्रेजेंटेड इन ए फॉर्म विच अलाउ द इंफॉर्मेशन टू बी क्लियरली इंटरप्रेटेड एंड अंडरस्टूड बाई अदर्स। This presentation may take the form of written report, bills of quantity, data sheets, drawing and inland surveying map and plans showing the feature on the land. ठीक है, फिर आप एक data present करोगे। These are the three stage of surveying.